초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 열 번 내 맘이 움직여 Hey guys and welcome back to my channel. This is Sanendra. I am going to explain part 5 and the drama name is My Secret Romance. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने पिछले सीन में देखा था कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिस्टर अजिन यूमी को कॉल लगाते हैं और तभी यूमी का छोटा भाई फ़ोन पिक करता है और जिसकी आवाज़ सुनकर मिस्टर अजिन शॉक्ड हो जाते हैं और तभी यूमी आकर अपने छोटे भाई से मोबाइल ले लेती है एंड देन मिस्टर जिन यूमी से कहते हैं आज मैंने खाना नहीं खाया सो प्लीज़ आज मेरे घर आकर मेरे लिए खाना बना जाओ और जिसे सुनकर उनका सेक्रेटरी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि आज की मीटिंग में तो मिस्टर जिन ने भर भर के खाना खाया था। और तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यूमी अपने छोटे भाई के साथ मिस्टर जिन के घर जाती है और यूमी खाना बनाने लगती है। यूमी जब खाना बना रही होती है तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है जिसके बाद वह भागते हुए अपने छोटे भाई के पास जाती है जहां पर उसने मिस्टर जिन के एक रखे हुए बॉक्स को गिरा दिया था जिसके बाद यूमी उस बॉक्स को उठाकर ओपन करने की कोशिश करती है लेकिन यूमी उसे ओपन नहीं करती। उसे लगता है कि शायद मिस्टर जिन जुआरी के लिए इस बॉक्स में कुछ रखा होगा इसलिए वह उस बॉक्स को वहीं रख देती है और अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर जिन जब घर आकर देखता है तो यूमी को घर में ना पाकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है क्योंकि वो तो आज यूमी के साथ डिनर करना चाहता था। मिस्टर जिन जब रूम से निकल ही रहे होते हैं और तभी उन्हें दरवाजे पर कुछ कपड़े रखे हुए दिखाई देते हैं और वो वही कपड़े होते हैं जो यूमी आज से 3 साल पहले गाड़ी से लेकर भाग गई थी और उन कपड़ों को देखकर मिस्टर जिन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं मुझे लगा कि शायद तुम इस कपड़े को कब का फेंक चुकी होगी। और तभी नेक्स्ट मॉर्निंग यूमी मिस्टर जिन के लिए खाना लेके जाती है तो मिस्टर जिन यूमी से कहते हैं क्या मैं कोई बच्चा हूँ जो तुम मेरे खाने को इतना डेकोरेट करके लाई हो और बोलते हैं कि आज से और अभी से मेरे लिए खाना एकदम सिंपल वे में लेके आओ। और तभी वह यूमी को जाने के लिए बोलते हैं और तभी हम नेक्स्ट सीन में जुहारी को देखते हैं जो जिनहुक के डैड को खुश करने में लगी होती है ताकि वह उन दोनों की शादी करा दें और जिनके डैड को भी जुहारी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। मिस्टर जिन जब घर आता है तभी वह सामने रखे उस बॉक्स को देख लेता है और उसे देखते ही उन्हें पता चल जाता है किसी ने तो इस बॉक्स के साथ कुछ किया है जिसके बाद मिस्टर जिन तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि यूमी ने तो बॉक्स खोलकर देख लिया होगा आखिर इसके अंदर है क्या। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर जिन जब ऑफिस में होता है तो वह इस बात को सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है कि यूमी ने उस बॉक्स को खोल कर देख ना लिया हो और वह अपने साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ को भी काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। और पूरा दिन एट लास्ट परेशान होने के बाद मिस्टर जिन यूमी से मिलने का डिसाइड करते हैं और तभी मिस्टर जिन को उनके रूम में यूमी के छोटे भाई का गिरा हुआ टॉय मिलता है और जिसे देखकर मिस्टर जिन को कंफर्म हो जाता है कि यूमी इस कमरे में ज़रूर आई थी जिसके बाद मिस्टर जिन उसे कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाते हैं और काफ़ी रात हो गई थी जिस पर यूमी कहती है अभी एंड देन मिस्टर जिन बोलते हैं हाँ बिल्कुल अभी पर यूमी तो आने से मना कर देती है जिस पर मिस्टर जिन कहते हैं कि ठीक है अगर तुम नहीं आ सकती तो मैं तो आ सकता हूँ ना। और मिस्टर जिन तैयार होकर यूमी से मिलने जाते हैं और यूमी को उसके छोटे भाई का टॉय दिखाते हुए बोलते हैं कि क्या यह टॉय तुम्हारा है। बट यहाँ यूमी अपने भाई के बारे में नहीं बताती और मिस्टर जिन गुस्से से पूछते हैं कि बाय एनी चांस तुम मेरे रूम के अंदर गई थी जिसके बाद यूमी उन्हें सॉरी बोलती है और मिस्टर जिन को दूसरा ज्वेलरी बॉक्स गिफ्ट करती है क्योंकि यूमी को लगता है कि मिस्टर जिन उस बॉक्स में जुहारी के लिए डायमंड नेकलेस रखा है। और मिस्टर जिन यूमी से बोलते हैं कि क्या तुमने उस बॉक्स को ओपन करके देखा था कि आखिर उसके अंदर है क्या जिस पर यूमी कहती है कि मैं उसे बाहर से ही देखकर उसके साइज के बारे में बता सकती हूँ बट आई थिंक आपको और भी ज़्यादा बड़ा लेना चाहिए क्योंकि जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा होगा जिसे सुन मिस्टर जिन शॉक्ड हो जाते हैं और यूमी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं और यहाँ पर उन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्योंकि यूमी उसे डायमंड नेकलेस समझकर उसके बारे में बात कर रही थी और हमारे मिस्टर जिन को तो पता ही था उसमें क्या है।
वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ युमी का दोस्त भी आ जाता है, जिसे देखकर मिश्रा जी पूछते हैं कि आखिर यह है कौन। जिस पर युमी का दोस्त युमी को क्लोज लाते हुए बोलता है कि अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आखिर हूँ कौन। उन दोनों की इस तरह से देख मिश्रा जी शॉक्ड हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारे ड्रामे का पार्ट 5 समाप्त हो जाता है।